नमस्कार स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर टेन टेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज येलो बटरफ्लाई द येलो बटरफ्लाई सो लेट्स स्टार्ट आ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन एक पीले कलर की तितली फ्ल्यू मतलब उड़ी उड़ रही थी अराउंड सोनूज़ गार्डन सोनू के बागीचे में सोनू बटरफ्लाई सोनू ने बटरफ्लाई को देखा सी मीन्स देखना सी का पास्ट फॉर्म होता है सो ही रेन टू कैच इट ही वह रेन मीन्स भागा रन का सेकेंड फॉर्म होता है रेन He ran to catch it. Catch means पकड़ना इसे पकड़ने के लिए वह भागा द बटरफ्लाई फ्लू टू द रेड रोज रोज बैड जो बटरफ्लाई है जो तितली है फ्लू मीन्स उड़ना फ्लू मीन्स उड़ना टू द रोज बैड रोज मतलब जो गुलाब की गुलाब के फूल पर गुलाब की क्यारी में बैठ गई उस पर बैठ गई फूल पर it sat on a red rose और वह वहाँ पर बैठ गई रेड रोज पर बैठ गई नाव आई कैन कैच इट तो सोनू बोलता है नाव मतलब अब आई कैन कैच इट अब मैं इसे पकड़ सकता हूं सेट सोनू सोनू ने कहा ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई ही माने मीन्स वह वॉकड वॉक का सेकेंड फॉर्म होता है वॉकड पास्ट फॉर्म होता है वॉकड मतलब चला स्लोली मीन्स धीरे साइलेंटली मीन्स बिना शोर मचाए टू कैच द बटरफ्लाई बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए ही केम वह आया क्लोजर क्लोजर मींस पास देन क्लोजर और पास एंड स्टिल क्लोजर और भी पास बट देन पर तब ऑफ ऑफ फ्लू फ्लू द बटरफ्लाई उड़ गई तब बटरफ्लाई तितली वो उड़ गई वेयर डिड द बटरफ्लाई गो अब वो पूछता है वो सोचता है वेयर डिड द बटरफ्लाई गो बटरफ्लाई जो तितली है वो कहाँ गई थी गार्डन वोजा पांड नियर द गार्डन मतलब बागीचे के पास ही एक पोंड पौड मीन्स तालाब बागीचे के पास ही एक तालाब था इंदा पौंड वॉजा वाइट लोटस और उसी पोंड में इन दौ मतलब उसी पोंड में उसी तालाब में एक वाइट सफेद रंग का कमल का फूल था लोटस मींस क्या होता है कमल कमल था नाउ लोटस नाउ अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स अराउंड इट राउंड लीव्स और वह कहाँ उग रहा था uh, कि जो गोल गोल पत्तियां हैं अराउंड मतलब जो आसपास उसके गोल गोल पत्तियां हैं और वो वहां पर उग रहा था दे फ्लोटेड इन द वॉटर और वो पानी में तैर रही थी फ्लोट मीन्स तैरना फ्लोट मीन्स तैरना होता है उसका पास्ट फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म है उसका फ्लोटेड तो वह जो पत्तियां हैं वो पानी में तैर रही थी द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन आ फ्लोटिंग लीफ जो तितली है वो सेल सेल मींस क्या होता है बच्चों सेल मींस जो पानी में तैरते हैं उसको हम सेलिंग कहते हैं सेल्ड मतलब वो उसमें बटरफ्लाई जो है उसमें तैर रही थी ऑन द फ्लोटिंग लीफ मतलब जो जो बटरफ्लाई वहाँ उसमें पत्तियों के ऊपर वहां पर वो तैर रही थी जो पत्तियाँ वहां पर फ्लोटिंग लीफ मतलब जो पत्तियां उसमें थी वो बटरफ्लाई उस पर नौका बिहार कर रही थी सेल मींस नौका बिहार करना मतलब तैरना सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वॉटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई सोनू वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों बेंट तो सोनू गया स्प्लैश इन टू द वॉटर पानी में छपाक करते हुए जैसे स्प्लैश मतलब जैसे ही हम पानी में जाते हैं या चलते हैं तो उसमें छपाक छपाक की आवाज़ आती है ना उसको हम बोलते हैं स्प्लैश जो सोनू है वो वहाँ पर पानी में गया और ऑफ एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई और तितली वहाँ से भी उड़ गई वेयर वॉज इट भाई कहाँ गई सोनू लुक्ड अप सोनू ने ऊपर देखा So, दीवार के पास वॉजा पीच ट्री और उसने वहा जो दीवार के पास जो एक पीच ट्री है आड़ू का जो पेड़ है पीच मीन्स होता है आड़ू आड़ू का जो पेड़ है उसने वहां भी देखा इट है पिंक फ्लावर उसके कैसे फूल थे जो आड़ू के पेड़ है उसके कैसे फूल थे पिंक फ्लावर मतलब गुलाबी फूल थे द बटरफ्लाई सेट ऑन सेट ऑन अटी फ्लावर और जो बटरफ्लाई थी जो तितली थी वो वहां पर जाकर फूल पर जाकर पिंक फूल पर जाकर बैठ गई आई कैन कैच यू फिर से सोनू बोलता है

और ऊपर चढ़ा पर बैक और वह फिर से पीछे उड़ गई डाउन फ्रॉम द ट्री सोनू जम्प डाउन टू और सोनू ने भी उसको वो सोनू भी पेड़ से नीचे उतरा और उसने जम्प किया उसने भी जम्प किया ही ही बटरफ्लाई और उसने बटरफ्लाई को चेज किया ही बटरफ्लाई और उसने बटरफ्लाई को फिर से पकड़ने की कोशिश की ही बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज फ्रॉम द रोज टू द लोटस और उसने क्या किया जो बटरफ्लाई है वो रोज से रोज पे फूल रोज के पौधे से लोटस पर गई और लोटस से एंड अप पीच ट्री और उसके बाद वो पीच ट्री पर गई बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई पर वह उसको पकड़ ना सका कौन नहीं पकड़ सका सोनू पहले वो रोज फ्लावर पे गई उसके बाद वो पी वो लोटस फ्लावर पे गई उसके बाद वो आड़ू के पेड़ पर गई पर वो सोनू उसको पकड़ ना सका सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल और फिर उसके बाद सोनू उसको देख भी नहीं पाया कि वो कहाँ गई ही लुक्ड एवरीवेयर एवरीवेयर मीन्स सभी जगह लुक्ड मीन्स लुक का फास्ट फॉर्म होता है लुक्ड फिर उसने सभी जगह उसको देखा एट एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई और अंत में उसे बटरफ्लाई दिखी देयर अ बिग स्पाइडर बैब इन द पीच ट्री और उसके बाद वो उसको कहा दिखी कि जो एक बड़ा सा बिग मींस बड़ा स्पाइडर मींस मकड़ी जा और वेब मीन्स जाला तो वह उसको कहा दिखी कि जो पीच ट्री है जो आड़ू का पेड़ है उस पेड़ पर एक बड़ी सी मकड़ी थी और उस मकड़ी के जाल में उसको वह बटरफ्लाई दिखी द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स बैब और जो बटरफ्लाई थी कॉट मीन्स उसका वो जकड़ गई उसमें क्या हुआ कि वो स्पाइडर जो है मकड़ी के जाले में जो बटरफ्लाई है वो जकड़ गई इट लुकड सैड एंड इट ट्राइड टू एस्केप और वह बहुत सैड मीन्स क्या होता है बच्चों दुखी होना तो वह बहुत दुखी दिख रही थी और एंड इट ट्राइड ट्राइड ट्राई का पास फॉर्म होता है ट्राइड और वह कोशिश कर रही थी टू एस्केप एस्केप मीन्स होना होता है उसमें से निकलने की उसमें से छूटने की वो कोशिश कर रही थी इट फ्लूट इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स और वह अपने फ्लटर्ड मींस होता है बच्चों फड़फड़ाना और वो अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी विंग्स मीन्स पंख इट ट्विस्ट एंड अपने पंखों को यहाँ वहां से घुमा रही थी मोड़ रही थी बट इट नॉट एस्केप पर वह वहां से निकल नहीं पा रही थी द स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट और जो स्पाइडर जो मकड़ी का जाला हो रहा था वो और भी ज्यादा टाइट होता जा रहा था पुअर बटरफ्लाई बेचारी बटरफ्लाई यहाँ जो पुअर है उसका मतलब होगा बेचारी बेचारी बटरफ्लाई इन द मिडल ऑफ द वाज़ वॉज बिग स्पाइडर और जो जाला था उसके मिडिल में सबसे बीच में एक बड़ी सी क्या थी मकड़ी थी इट लुक्ड हंग्री इट लुक्ड हंग्री हंग्री मीन्स क्या होता है भूखा भूखा होना तो वह कैसी दिख रही थी वो मकड़ी भूखी दिख रही थी इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई और वह चाहती थी बटरफ्लाई को पकड़ना मक, मक, इसको पकड़ना चाहती थी वो तितली को नाउ पुअर बटरफ्लाई नाउ पुअर बटरफ्लाई इन द मिडिल ऑफ द बेब वॉज बिग स्पाइडर ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और वो क्लोजर और इन द मिडिल ऑफ द बेब वॉज बिग स्पाइडर इट लुक् हंग्री इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट सोनू रेन ही कॉट द बटरफ्लाई और वो बहुत मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि वो बहुत भूखी दिख रही थी और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी और धीरे धीरे जो ब्लैक स्पाइडर जो थी वो धीरे धीरे आ रही थी उसके पास मतलब उसको पकड़ रही थी और बिफोर द हंगरी स्पाइडर जैस जैसे कि वो भूखी मकड़ी उसको पकड़ती उसको अपनी गिरफ्त में लेती वैसे ही सोनू वहां भागा और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया इट वॉज सो प्रिटी और वह बहुत सुंदर थी प्रिटी मीन्स सुंदर इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स और उसके जो पीले पीले पंख थे उस पर भूरे रंग के स्पॉट्स से थे मतलब गोल चकत्ते थे सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई सोनू ने उसको बहुत प्यार किया उस बटरफ्लाई को बट इट लुक्ड सैड पर वो दुखी दिख रही थी इन सोनूज़ हैंड और वह सोनू के हाथ में बहुत दुखी दिख रही थी सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी और सोनू चाहता था उसे खुश देखना तो फिर सोनू ने क्या किया गो सैड सोनू फ्लाई अबे सोनू ने कहा गो गो मींस जाओ सैड सोनू सोनू ने कहा फ्लाई अबे उड़ जाओ

लोटस लीफ है मतलब जो कमल का फूल है कमल के की जो पत्तियां हैं उस पर उसने से, सेल मी या नौका बिहार करना तो उस पर वह तैरने लगी उस पर वह सवारी की उसने नौका बिहार किया इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लार टू फ्लार और वह अपनी खुशी खुशी मैरिली मतलब खुशी खुशी वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने लगी सोनू वॉच्ड फ्लाई एंड फ्लाई सोनू उसको देखता रहा की वह यहाँ से वहां उड़ रही है द बटरफ्लाई फ्लू सोनू गार्डन और जो बटरफ्लाई थी वो पूरे गार्डन में सोनू के गार्डन में खुशी खुशी घूम रही थी एंड फ्री वंस अगेन और वह एक बार फिर से फ्री हो गई थी मतलब आजाद हो गई थी सो so, स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ आई होगी इस स्टोरी का जो मोरल है वो है यही है कि जो पक्षी होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर खुश होते हैं उनको हम बांध के नहीं रख सकते उससे वो खुश नहीं होंगे सो स्टूडेंट्स लेट्स सी न्यू वर्ड्स नंबर वन चेज चेज मीन्स टू अप पकड़ना इसका सेंटेंस बनेगा दुलिस मॉन पुलिस मैन स्टार्टेड टू चेज द

फूड हंगरी मीन्स मैंने आपको बताया था बच्चों भूखा स्पॉन्ज वॉब वॉज वेरी हंग्री मिडिल डिस्टेंस फ्रॉम एट द पॉइंट मतलब बीच में देअर वॉज अ होल्ड इन द मिडल ऑफ द टेबल कैच टू होल्ड समथिंग दैट हैज बीन थ्रोन द बॉय

मनी फ्रॉम द हाउस पोंड अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वॉटर तालाब लोटस फ्लावर ग्रो इन पॉन्ड तो हमने बच्चों न्यू वर्ड्स कौन से सीखे हंगरी फ्लोट शाउट चेज फ्लटर ट्विस्ट एस्केप पोंड पीच क्लाइंब कैच एंड एंड मिडिल नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन येलो बटरफ्लाई इन गार्डन उसने अपने बागीचे में देखा नेम थ्री प्लेसेस वे आर द बटरफ्लाई रेस्टेड ऐसी तीन जगहों के नाम बताओ जहां पर बटरफ्लाई ने आराम किया रेस्ट किया The butterfly rested on the red rose, white lotus and pink flower on the peach tree. Why did Sonu chase the butterfly? Sonu chased the butterfly to save it from the spider's web. Why did Sonu let the butterfly go? Sonu ने butterfly को क्यों जाने दिया? Titli को क्यों जाने दिया? Sonu let the butterfly go because he wanted it to be happy। वह उसको खुश देखना चाहता था। Talk time। If you were a butterfly, how would you feel if you were caught? अगर तुम एक butterfly हो और तुम कैसा महसूस करोगे अगर तुम पकड़े जाओ या तुम्हें कोई पकड़ ले? If I were a butterfly, I would feel helpless. If I were caught, अगर मुझे कोई पकड़ लेगा तो मैं बिल्कुल helpless महसूस करूंगा बच्चों इन्हें आप अपने हिसाब से भी इनके answers लिख सकते हो Why did the butterfly go to the flower in the garden? The butterfly went to the flower in the garden to suck the juice as its food. स्टॉप टाइम अब हमें इनको सिर्फ सेंटेंसेस को पढ़ना है से दीज सेंटेंस अलाउड बटरफ्लाई कैन फ्लाई वर्ड्स कैन 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 फ्लाई 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 एरोप्लेन वी वी नो कांट हम नहीं उड़ सकते वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन हम एरोप्लेन में उड़ सकते हैं नेक्स्ट इज राइट द सेंटेंस इन द प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स In the to help you first, then after this, finally, finally, I dress up and go to school, then I brush my teeth and have a bath. With first, uh, first of all, I get out of bed. दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट ये जो फोर सेंटें बच्चों इनको आपको प्रॉपर सिक्वेंस में लगाने हैं तो हम देखते हैं इनकी प्रॉपर सिक्वेंस क्या है पहले हम बेड से उठते हैं देन आई ब्रश माई टीथ एंड है उसके बाद हम ब्रश करके नहाते हैं आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट उसके बाद हम अपना नाश्ता करते हैं फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल उसके बाद हम स्कूल जाते हैं तो ये हमारा सही सिक्वेंस है नेक्स्ट इज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू ये जो वर्ड्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स इनको आपको ब्रेक करके टू पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और इनके टू वर्ड्स बनाने हैं जैसे बटर फ्लाई जिनका प्रॉपर मीन्स भी है वटर मीन्स आपको पता ही है और फ्लाई तो इसको हम ब्रेक करके बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बटर और फ्लाई नेक्स्ट एवरी वेयर एवरी और वेयर इसी के बाद इन साइड तो इन अलग करेंगे और साइड को हम अलग करेंगे नेक्स्ट इज आउट साइड तो इसी तरह आउट एंड साइड नेक्स्ट इज सन लाइट तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे पहले सन और फिर लाइट तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी एक्सरसाइजेस फिल करनी है बुक में और इसको कंप्लीट करना है होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड